Good morning, dear children. Hope you all are fit and fine. So, welcome to part 2 of our chapter 6 physical and chemical changes. In the last class, we saw what are physical and chemical changes, what are their characteristics, some examples, and what are the differences between them. Okay, so I hope you remember all the um, topics from previous class. Okay, now in this class, वी विल स्टडी अबाउट अ केमिकल चेंज दिट इज वेरी कॉमन अराउंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अस टू नो अबाउट इट ओके सो दैट चेंज इज रस्टिंग ऑफ आयरन ओके रस्टिंग ऑफ आयरन आयरन सबको पता है आयरन क्या होता है लोहा एंड रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना ठीक है जंग लग जाता है लोहे को जो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन ओके अब सब इससे फेमिलियर होंगे आई एम श्योर क्या होता है वेन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर अ फ्यू डेज जब हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स को ठीक है हमारे घर में भी बहुत सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपने देखा होगा हमारे जो साइकिल वगैरह है जो आपकी है ना वो भी दैट इज़ मेड अप ऑफ आयरन ठीक है सो जब हम क्या करते हैं ऐसी पुरानी कई चीज़ें होती हैं हमारे पास ठीक है अगर हम उसको बहुत लंबे टाइम के लिए ठीक है ऐसी बाहर खुले में रख दें मॉइस्ड एयर में मॉइस्ट एयर का क्या मतलब होता है ऐसी एयर जिसमें वॉटर वेपर है जिसमें मॉइस्चर है ठीक है जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है ऐसे ही एयर में अगर हम उसे बहुत टाइम के लिए ऐसे ही रख दें तो क्या होता है द अपर सरफेस गेट्स कवर्ड विद अ ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है उस मेटल की उस ऑब्जेक्ट की इट गेट्स कवर्ड ठीक है उसमें एक ब्राउन कलर का पाउडर जमा हो जाता है ठीक है उसे हम बोलते हैं रस्ट उसे हम बोलते हैं जंग ठीक है ये देखा होगा आपने सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड

एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए जो कि हमारे एयर में है 21% परसेंट ऑक्सीजन है हमें पता है ठीक है देन सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर ठीक है हमारी आ, हवा जो है उसमें वाटर वेपर या वाटर प्रेजेंट होना दैट मीन्स मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा तो ये जो दो कंडीशंस हैं दे ब्रिंग अबाउट दिस चेंज इन आयरन ये जो केमिकल चेंज आता है आयरन में रस्टिंग का ये इन दो कंडीशंस की वजह से ही आता है ठीक है तो अगर कहीं पे भी ये दोनों कंडीशंस प्रेजेंट हैं ठीक है थेके? तो आयरन में रस्ट लगेगा ठीक है रस्टिंग होगी ठीक है सो इट इज केमिकल चेंज रिएक्ट्स विध ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर मॉइस्चर मतलब वाटर ठीक है तो इसमें क्या होता है जो हमारा आयरन ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ दोनों के साथ क्या करता है रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड और इसी को हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में रस्ट ठीक है तो रस्ट का केमिकल नेम क्या है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ठीक है एंड वी कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम रस्ट एक बार अगर जंग लग गई आयरन में ठीक है तो उस जंग से उस रस्ट से हम वापस आयरन वापस नहीं बना सकते ठीक है इसीलिए हम इसे केमिकल चेंज बोलते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था केमिकल चेंज में क्या होता है नया सब्सटेंस फॉर्म होता है नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ हमारा रिवर्स नहीं कर सकतेमिकल चेंजेस इ रिवर्सिबल द प्रोसेसेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन यू कैन सी दिस इक्वेशन फोर एफ ई एफ ई इज फॉर आयरन ठीक है आयरन का जो सिंबल है दैट इज एफ ई देन वी हैव ऑक्सीजन थ्री ओ टू

इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे वो रिप्रेजेंट करता है हमारा टू एक्स ठीक है वेयर एक्स इज एन इंटीजर एक्स कुछ भी हो सकता है हमारा वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है ठीक है अगर एक्स यहाँ पे हमारा वन होगा तो आयरन मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे टू टू इन टू वन इज टू ठीक है सो टू एच टू ओ हो जाएगा अगर ये एक्स की वैल्यू टू होगी तो टू टू ज फोर दैट मीन्स फोर एच टू ओ ठीक है दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे हमारे फोर ठीक है सो दिस इज द इक्वेशन

यही रीज़न है कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज होता है ठीक है अगर आप अपने घर में भी एक बार नजर घुमाएंगे तो यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ आयरन फॉर एग्जाम्पल गेट्स ठीक है हमारे घर में जो गेट्स लगे होते हैं देन रेलिंग्स ठीक है रेलिंग्स जो हमारी सीढ़ियों के साइड uh, में जो हमारा प्रोटेक्टिव जो रेलिंग होती है ठीक है ब्रिजेस ब्रिज सबको पता है ठीक है ब्रिज हमारे जिससे ट्रेन गुजरती है जिससे हमारे सारे ट्रांसपोर्ट्स गुजरते हैं ठीक है थीके? ये ब्रिजेस जो होते हैं मोस्टली वो वाटर बॉडीज के ऊपर बने होते हैं ठीक है देन ग्रिल्स बॉडीज ऑफ कार्स हमारी जो कार्स व्हीकल्स की जो बॉडीज होती हैं बसेस की ट्रक्स की शिप की ये सब किससे बने होते हैं आयरन से बने होते हैं ठीक है, है थीके? तो आयरन के बने होने की वजह से क्या होता है दे आर मच सक्सेप्टेबल टू रस्ट ठीक है रस्ट क्या होता है इट इज सॉफ्ट एंड पोरस ठीक है रस्ट जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंस होता है और पोरस होता है ठीक है मतलब उसमें बहुत ही क्या होते हैं पोर्स होते हैं ठीक है छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो क्या होता है जब ये रस्ट की लेयर किसी सब्सटेंस पे फॉर्म हो जाती है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ठीक है ये यहाँ पे सब पे रस्ट लग गया है ये सब आयरन ऑब्जेक्ट्स पे यू कैन सी द रस्ट फॉर्मेशन ठीक है सो क्या होता है जब किसी सब्सटेंस पे आयरन ऑब्जेक्ट पे रस्ट की लेयर जमा हो जाती है ठीक है ये दिख रहा है आपको रस्ट की लेयर जमा हो गई है तो क्या होता है इट फॉल्स ऑफ ठीक है ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड और वाटर ठीक है अगर उस पर पानी पड़ा या हवा चली तो क्या होता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट और पोरस होता है तो क्या होता है उड़ जाता है मतलब वो जो लेयर है वो वहाँ से हट जाती है जब वो पहली लेयर वहाँ से हट जाती है तो क्या होता है जो नीचे का जो आयरन है वो एक्सपोज हो जाता है वो ऊपर आ जाता है अब आयरन और सॉरी ऑक्सीजन uh, और वाटर से रिएक्ट करने के लिए है ना फिर वो जो लेयर है वो रिएक्ट करती है उसकी उसमें रस्ट बन जाता है देन वो रस्ट हटता है देन उसकी जो नीचे की लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहता है सो कंटिन्यूस रस्टिंग मेक्स द आयरन ऑब्जेक्ट्स वीक एंड अल्टीमेटली यूजलेस धीरे 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 वो क्या करता है वो सारे ऑब्जेक्ट को वीक करता जाता है क्योंकि उसकी जो ऊपर की लेयर है वो तो हटती जा रही है रस्ट बन बन के है ना दैट मीन्स उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है और धीरे धीरे वो जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाता है ठीक है सो रस्टिंग कॉजेस ह्यूज लॉस एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एज यू कैन सी ये देखिए हमारे बस में जो है रस्ट लग गया है ठीक है ये कार में रस्टिंग हो गई है ये नट्स एंड बोल्ड्स जो है ठीक है ये चेन है हमारा देन ये हमारा कंटेनर लैच ठीक है बहुत सारे हमारे डेली यूज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें क्या होता है रस्ट लग जाते हैं एंड देन दे आर ऑफ नो यूज़ ठीक है फिर वो किसी यूज़ के नहीं रह जाते हमारे लिए सो so इससे क्या होता है हमारी इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है ना बहुत लॉस में चले जाते हैं हम ठीक है सो बिकॉज दिस रस्टिंग इज़ नॉट गुड एंड इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कंटिन्यूस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस वी नीड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन इसीलिए हमें रस्टिंग को प्रिवेंट करना है हमें आयरन को रस्टिंग से बचाना है ठीक है अब हम आयरन को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं बाय फॉलोइंग मेथड्स ओके द फर्स्ट वन इज कोटिंग द आयरन सरफेस विद पेंट और ग्रीस हम अगर आयरन के सरफेस पे ठीक है पेंट या ग्रीस लगा दें तो उसमें रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है इसके पीछे बहुत ही सिंपल हमें पता है कि आयरन में रस्टिंग कब होती है जब उसका जो सरफेस है वो किसके कॉन्टैक्ट में आता है एयर और वाटर के है ना तभी रस्टिंग होती है तो अगर हम उस आयरन के सरफेस पे अगर हम उसको कवर कर दें आयरन के सरफेस को हम कट कवर uh, कर दें तो क्या होगा एयर और वाटर का जो कांटेक्ट है वो आयरन के सरफेस से नहीं हो पाएगा वो जो कांटेक्ट है वो कट ऑफ हो जाएगा राइट जो एयर और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो आयरन के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे दैट मीन्स रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा ठीक है बहुत ही ईजी है इसीलिए हम क्या करते हैं पेंट करते हैं अगर हमने आयरन ऑब्जेक्ट को पेंट कर दिया तो ऊपर में किसकी लेयर आ गई पेंट की लेयर आ गई है ना तो पेंट से क्या होगा जो कॉन्टैक्ट है आयरन का और एयर का वो क्या हो जाएगा कट ऑफ हो जाएगा तो हमारा जो रस्ट फॉर्मेशन है वो नहीं होगा इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर एंड हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड ये हो गया फर्स्ट मेथड आपने देखा होगा हमारे घरों पे जब हम कूलर यूज करते हैं गर्मियों में कूलर्स यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि कूलर को यूज़ करने से पहले भी पेंट दें ठीक है मोस्ट ऑफ द पीपल पेंट दें क्योंकि उनको पता है कि हम क्या करते हैं कूलर में पानी भरते हैं ठीक है सो so, पानी तो है ही वहाँ पे एयर और पानी के कॉन्टैक्ट में आने से क्या होगा वो जो कूलर की जो बॉडी वो आयरन की बनी है, है ना सो so, उसमें क्या होगा जंग लगेगा और हमारा जो कूलर है वो एक सीजन से ज़्यादा नहीं चलेगा है ना और नेक्स्ट गर्मियों में हमको क्या लेना पड़ेगा नया कूलर लेना पड़ेगा ठीक है तो जब हम उसको पेंट कर देते हैं तो क्या होता है ये जो कूलर है बहुत ही लंबा चलता है ठीक है मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ जो कूलर था मतलब वो आई गेस दस या बारह साल चला होगा वो एक ही कूलर क्यों क्योंकि हर गर्मियों में आ, क्या होता था मेरे जो पापा हैं उसको पूरी बॉडी को अंदर से लेके पूरा बाहर तक उसको पूरा पेंट कर देते थे और वो हमेशा नया होता था ठीक है सो दिस इज द रीजन व्हाई वी पेंट आयरन ऑब्जेक्ट्स ओके और ग्रीस देम ग्रीस करना मतलब कहता है ग्रीस लगाना मतलब एक ऑयली सरफेस uh, कर देना उसका तो ऑयली अगर हम ऑयल लगा देंगे उसके सरफेस पे तो भी जो कॉन्टेक्ट है वो कट ऑफ हो जाएगा ठीक है नाउ द सेकेंड मेथड इज कोटिंग आयरन विथ अदर मेटल्स या तो हम क्या करें उस आयरन सरफेस पे उस आयरन के ऑब्जेक्ट पे एक दूसरा मेटल लगा दें उसके सरफेस के ऊपर जो कि रिएक्ट नहीं करता है किससे ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से है ना एयर और मॉइस्चर से जो रिएक्ट uh, नहीं करता तो इससे भी हमारा आयरन ऑब्जेक्ट है वो बचा रहेगा ठीक है थीके? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन ठीक है दिस इज नोन एज गैल्वनाइजेशन व्हाट इज गैल्वनाइजेशन कोटिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स विद अदर मेटल्स दूसरे मेटल्स से आयरन ऑब्जेक्ट्स को कोट करना द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ विथ मेटल जिंक मेटल कौन सा मेटल हम यूजली लगाते हैं आयरन के ऊपर जिंक मेटल इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन ठीक है तो हम जिंक क्या है एक दूसरा मेटल है जिसके लेयर हम आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देते हैं ठीक है उससे क्या होता है जो आयरन का जो सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में मॉइस्चर या कांटेक्ट में नहीं आता ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ठीक है दिस इज गैलवनाइजेशन इसमें हम क्या कर रहे हैं आयरन शीट्स आर डिब्ड इन जिंक ये जो होता है हमारे पास मोल्टन जिंक मोल्टन मतलब पिघला हुआ ठीक है जो जिंक मेटल है जिसकी हमको लेयर ऊपर लगानी है आयरन ऑब्जेक्ट के हम उसको पिघला के रखते हैं ठीक है और उसमें हम आयरन ऑब्जेक्ट को डिप कर देते हैं उसमें डुबाते हैं तो क्या होता है पूरी जो लेयर है जिंक मोल्टन जिंक की वो आयरन के ऊपर लग जाती है ठीक है सो द थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज़ जिंक मेटल रिमेंस अनअफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर जो हमारा जिंक मेटल है वो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करता है इसीलिए हमारा जो आयरन है वो बचा हुआ रहता है ठीक है सो दिस इज गैल्वनाइजेशन द आयरन पाइप्स यूज्ड इन आवर होम्स जो हमारे घरों में जो पाइप लगी होती है ना वाटर पाइप्स वो भी किसकी बनी होती है गेल्वनाइज आयरन की क्यों क्योंकि पानी उसमें लगातार कॉन्टैक्ट में होता है वो पाइप पानी के है ना तो अगर हम उसको गेल्वनाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा वो बहुत ही जल्दी जल्दी डैमेज हो जाएगा ठीक है और हमको बार 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 मेंटेनेंस कराना पड़ेगा राइट तो हम क्या करते हैं गेल्वनाइज पाइप यूज़ करते हैं ठीक है जिसमें रस्ट नहीं लगता है ठीक है सिमिलरली द आयरन शीट्स यूज फॉर मेकिंग बकेट्स बकेट्स जो हमारे बनते हैं मेटल के ड्रम बनते हैं डस्टबिन बनते हैं रूफ शेड्स जो बनते हैं ये सब किससे बनते हैं हमारे गेलवनाइज आयरन से बनते हैं ठीक है ये जो जिस आयरन के ऊपर हम जिंक की लेयर लगा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं गेलवनाइज आयरन जी आई ठीक है जी आई पाइप सुना होगा आपने बहुत ऐड भी आता था पहले सूर्या या जी आई पाइप्स जी आई पाइप्स मतलब गेलवनाइज आयरन पाइप ठीक है सो इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन देन देर इज वन मोर मेथड बाई विच वी कैन प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग दैट इज बाई कन्वर्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स into stainless स्टेनलेस स्टील और इसको हम बोलते हैं एलोइंग ठीक है जिसमें हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं स्टेनलेस स्टील सबने सुना होगा सबके घर में स्टील के जो बर्तन होते हैं ना ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं स्टेनलेस स्टील ठीक है steel, तो इसमें क्या होता है हम आयरन ऑब्जेक्ट आयरन को क्या करते हैं मोल्टन आयरन पहले हम आयरन को पिघलाते हैं ठीक है देन हम उसको दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स कर देते हैं ठीक है क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं विद अ फिक्स्ड अमाउंट दूसरे मेटल्स का कुछ फिक्स्ड अमाउंट रहता है ठीक है जैसे 5 परसेंट कार्बन 10 परसेंट मैंगनीज 20 परसेंट क्रोमियम ऐसे करके जो दूसरे मेटल्स होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है और हम क्या करते हैं इन सभी मेटल्स या नॉन मेटल्स को हम क्या करते हैं आयरन में मिक्स कर देते हैं और जब ये ठंडा होता है तो इट फॉर्म्स एन एलॉय ठीक है

सो so, हमारे घर में जो बर्तन होते हैं खाना बनाने के कुकिंग यूटेंसिल्स जो, जो, जो होते हैं हमारे जो नाइफ्स होती हैं चाकू जो होते हैं ठीक है सीजर्स होते हैं देन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी में यूज होते हैं ये सब किससे बने होते हैं स्टेनलेस स्टील से ठीक है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे बर्तन है स्टेनलेस स्टील के मस्त चमचमाते हुए बर्तन है ना उनकी चमक ही अलग होती है ठीक है सो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन ओके एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रिस्टलाइजेशन यस सो हम सबको पता है कि जो सी वाटर है उसमें क्या होता है सोल्ट डिजोल्व होता है, है ना और हम उसी से अपना जो कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में नमक खाते हैं वो वहीं से आता है सी वाटर से आता है हमने पढ़ा था क्लास सिक्स में इवापोरेशन मेथड से हम क्या करते हैं वो सॉल्ट को ऑप्टेन करते हैं और फिर उसको प्योरीफाई करते हैं ठीक है सो लेकिन ये जो टेक्निक है सेपरेशन की दिस इज नॉट गुड बिकॉज जो सॉल्ट हमको इस प्रोसेस से मिलता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होते है. ठीक है और जो उनके क्रिस्टल्स होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं आपने देखा होगा सॉल्ट का जो क्रिस्टल होता है ना नमक कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके ठीक है सो क्रिस्टल्स एक्चुअली होते क्या है क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस ठीक है किसी भी सब्सटेंस का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट में ठीक है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल विच हैज अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप उसका एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होता है ठीक है एग्जाम्पल्स हम देखते हैं शुगर शुगर देखा होगा अपने शुगर क्यूब्स जो होते हैं उनका पर्टिकुलर शेप होता है ठीक है प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं वो यूरिया कॉपर सल्फेट एलम एलम मतलब फिटकरी ठीक है टेबल सॉल्ट दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टल्स ओके सो क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैेप्स अलग अलग सब्सटेंस के जो क्रिस्टल्स होते हैं सबका अलग अलग शेप होता है ठीक है सो वॉट इज क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स ऑपटटेन है है, करते हैं ठीक है थीके? जिसका एक पर्टिकुलर शेप होता है ठीक है तो यहां जो आपको दिख रहा है यह है हमारा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटिफुल कलर होता है इसका ब्लू ठीक है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे तो uh, क्यों करते हैं हम ये बाई ऑप्टेनिंग क्रिस्टल्स वी आर एबल टू प्योरीफाई सर्टेन सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है इट इज़ एक्चुअली अ मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन जिसमें हमको प्योर सब्सटेंसेस मिलते हैं ठीक है तो अब ये जो कॉपर uh, सल्फेट का जो क्रिस्टल ये हम कैसे बना सकते हैं आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी दी हुई है ठीक है आई होप जब स्कूल uh, खुलेगा हम तो ये एक्टिविटी करेंगे ठीक है बहुत ही ईजी है इसको क्या करना है हमको एक बीकर लेना है ठीक है डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एक स्टैंड लेना है ठीक है जिसपे हम वो उस बीकर को रख के उसको हीट प्रोवाइड कर सके बर्नर लेना है एक चाइना डिश चाइना डिश जो एक बोल समझ लीजिए आप ठीक है देन एक स्टेरर जिससे हम घोलेंगे सॉल्यूशन को डिजोल्व करेंगे एक फ़िल्टर पेपर एंड कॉपर सल्फेट पाउडर ठीक है तो हमें क्या करना है हंड्रेड एम वाटर लेना है एक बीकर में और उसमें हमको कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड कर देना है उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हमको क्या करना है इस बीकर को हमको ट्राईपॉड स्टैंड पे रखना है ठीक है ट्राईपॉट स्टैंड का एक स्टैंड होता है जिसपे हम बीकर को रख के गर्म करते हैं बर्नर से ठीक है देन जब ये वाटर बॉयल होने लगेगा तो हमें क्या करना है कॉपर सल्फेट पाउडर को इसमें ऐड करना है और कंटिन्यूसली स्टर करना है उसको लगातार हमको घोलते रहना है घोलते रहना है ठीक है और हमको कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें ऐड करते जाना है थोड़ा 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 ठीक है और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा कॉपर सल्फेट पाउडर जो है वो डिजॉल्व नहीं होगा दैट मीन्स द सॉल्यूशन विल बिकम सैचुरेटेड ठीक है सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तब तो तब हमको क्या करना है उसमें और पाउडर ऐड नहीं करना है अब हमको क्या करना है इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है ठीक है ठंडा होने के बाद टू रिमूव इन सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज ठीक है और जो नीचे जो हमको फिल्ट्रेट मिला है हमारा ठीक है उसको हमको क्या करना है चाइना डिश एक बोल में हमको ट्रांसफर करना है ठीक है फिल्टर करने के बाद और उस सॉल्यूशन को हमको 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है अनडिस्टर्ब बिल्कुल हिलाना नहीं है उसको तो जब हम ये करेंगे तो हम क्या देखेंगे 24 घंटे के बाद जो हमारा चाइना डिश है ठीक है उसमें हमारा जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है वो फॉर्म हो जाते हैं ऊपर में थोड़ा सा लिक्विड भी होता है उसको हम डिकेंटेशन से क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं ठीक है थीके? और फिर उन क्रिस्टल्स को हमको आ, फिल्टर पेपर के बीच में रख के क्या करना है ड्राई कर लेना है ठीक है एंड देन वी ऑप्टेन प्योर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ सॉपर सॉरी कॉपर सल्फेट बाई दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन और इस तरह के हमको क्या मिलेंगे क्रिस्टल्स मिलेंगे ठीक है तो कैन यू टेल मी वेदर दिस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये फिजिकल चेंज था या केमिकल चेंज था यस यू आर राइट इट इज अ फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज क्यों है ये फिजिकल चेंज क्योंकि कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनाए ठीक है कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया हमने ठीक है उसको हमने वाटर में डिजोल्व किया और हमको कॉपर सल्फेट ही मिला क्रिस्टल ठीक है हमको कुछ नया सब्सटेंस नहीं मिला यहाँ पे कॉपर सल्फेट के बस क्रिस्टल बने हैं प्योर फॉर्म में ठीक है सो क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज ओके सो नाउ यू अंडरस्टूड वॉट इज क्रिस्टलाइजेशन इट इज अ मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग प्योर सब्सटेंसेस प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंसेस ओके सो दिस इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स रियली वेल And I will see you in our next class, okay, with a new chapter. Till then, take care and goodbye.